now we will study about some factors of atmosphere, density, pressure and temperature of. तो अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, डेंसिटी के बारे में, प्रेशर के बारे में, टेम्परेचर ऑफ एयर के बारे में. ओके एयर. हेलो स्टूडेंट्स, ब्लैंकेट ऑफ एयर अराउंड द अर्थ, बट नाउ एयर इज नॉट. जो डेंसिटी होती है वो हमें ये बताती है कि कोई भी सब्सटेंस जो है वो कितना लूजली या टाइटली पैक्ड है. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डेंसिटी के बारे में. अब देखो, जो एयर होती है, अगर हम मतलब एयर जो होती है हर एक जगह पर सेम नहीं रहती है, वो प्लेस टू प्लेस जो है उसमें वेरिएशंस आते हैं, चेंजेस आते हैं. ठीक है, ऐसा क्यों है वो हम रीज़न देखेंगे अब. नॉट द सेम एवरीवेयर, इट्स प्रॉपर्टीज वेरी एज वी गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, स्पेशली व्हेन वी गो फ्रॉम सी लेवल टू हायर एल्टीट्यूड्स लाइक माउंटेन्स. The three main properties that change. अगर हम सी लेवल पे हैं या फिर हम माउंटेन्स वाली तरफ हैं, तो वहाँ पर जो एयर की कंपोजिशन होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी. Our density, pressure and temperature. Now let's understand what these are. Beginning with density. It refers to how tightly or loosely the particles of air are packed in certain areas. When particles of air are tightly packed, the density of air is high. When आपने याद रखना है, जब भी पार्टिकल्स एयर के टाइटली पैक्ड होंगे तो डेंसिटी क्या होगी, हाईएस्ट होगी, और जब लूजली पैक्ड होंगे तो डेंसिटी क्या होगी, लो होगी. जैसे कि आप नीचे देख रहे हो कि ये टाइटली पैक्ड हैं जो इनके पार्टिकल्स हैं, तो यहाँ पर हाई डेंसिटी है और ऊपर जाके क्या है, लो डेंसिटी हो जाएगी. पार्टिकल्स ऑफ एयर आर लूजली पैक्ड, द डेंसिटी ऑफ एयर इज लो. The density of air is highest at sea level and decreases as we go to higher altitudes. अब देखो, जो डेंसिटी ऑफ एयर होगी सी लेवल पे वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे होगी, और जब हम एल्टीट्यूड की तरफ जाते हैं, लाइक ऊपर को जाते हैं, माउंटेन्स की तरफ जाते हैं, तो उसकी जो डेंसिटी है वो क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी. माउंटेन्स, दिस वेरिएशन इन डेंसिटी इज बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ एयर पुशिंग डाउन व्हिच इज मोर एट सी लेवल and becomes less as we move higher. Variation in density is also caused by the gravitational force of the earth, which is stronger closer to the earth's surface. Density jo hai, इसके टू मेन फैक्टर्स होंगे. एक तो जो हम पीछे करके आए हैं कि अगर लूजली और टाइटली पैक्ड होगा. नेक्स्ट है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ का होगा, अगर वीकर फोर्स होगा ऑफ ग्रेविटी तो स्ट्रॉन्गर फोर्स होगा. इनका भी जो है वो डिफरेंस होता है ग्रेविटी ऑफ अर्थ का. इसमें भी जो है डेंसिटी ऑफ एयर जो है वो उसमें वेरिएशन आता है, मतलब चेंज आता है. सरफेस एंड वीकर एज वी गो हायर, सो देयर आर मोर एयर पार्टिकल्स एट सी लेवल and fewer at high altitudes. Now, due to this low air density at high altitudes, mountain climbers have less oxygen to breathe in. So, अब आपको पता ही है कि जितना हम ऊपर जाते रहते हैं, ऊपर जाते ही जो है ऑक्सीजन कम होनी स्टार्ट हो जाती है. तो जो भी लोग ऊपर जाते हैं माउंटेन्स की तरफ या फिर कहीं और ऊपर जाते हैं, तो अपने ऑक्सीजन मास्क जो है वो लेके जाते हैं, है ना. They wear oxygen masks and carry oxygen tanks with them while climbing up high mountain peaks. Now, if you have ever been to a mountain or a hill station, have you noticed that the weather is cooler? This is another change noticed in the air from place to place. The temperature or the hotness and coldness of air varies with the change in altitude. Air is colder at high altitudes and is warmer at lower altitudes. Another element that varies from place to place is pressure. Even though we cannot feel it, air has weight and exerts pressure. The weight of air felt in a particular place is called air pressure or atmospheric pressure. Air exerts different amounts of pressure in different places. Let us understand how this happens. The layers of air around the earth can be compared to a tower of pillows. The lowest pillow will feel the weight or pressure of all the pillows over it. अब देखो, सभी पिलोज का जो प्रेशर है वो लास्ट वाले पे आ गया, तो वो क्या हो गया, फ्लैट हो गया, है ना. ऊपर वालों की जो उसमें एयर है वो फुली है, बट नीचे वाले जो है वहां पर जो फ्लैट हो गया, तो उसमें से एयर जो है वो निकल जाती है. And will get flattened.
but the pillows on top have fewer pillows above them, and therefore they will experience lesser pressure. Similarly, the air at sea level is like the lowest pillow, experiencing high pressure from all the air on top. Whereas the air on a mountain is like the upper pillow, with less pressure from the top. Therefore, air pressure decreases at higher altitudes as there is less air above it to exert pressure. And it increases at lower altitudes as there is more air pressing down. A difference in air pressure causes wind, where air moves from high pressure areas to low pressure areas. आपको ये याद रखना होगा कि जो एयर है वो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया तक जाएगी. ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है. इसकी डायरेक्शंस आपको बतानी होंगी. जो हायर है वो देखो ऐसे ऊपर से नीचे जो है वो आ रहा है, ऐसे ऐसे. यहाँ पर आप लिखोगे हाई प्रेशर, उसके बाद ये नीचे डायरेक्शन होगी इस एयर की और वो लो प्रेशर एरिया तक जाएगा. ये डायग्राम आपको आनी चाहिए. So, आज की क्लास में हमने देखो क्या पढ़ा है कि एयर जो होगी वो उसका जो डेंसिटी प्रेशर और टेम्परेचर होगा हर एक जगह पर अलग होगा. ठीक है, डेंसिटी ऑफ एयर जो होगी सी लेवल पे हाई होगी और जितना हम ऊपर जाएंगे वो डिक्रीज होती जाएगी. एयर जो हाई एल्टीट्यूड पे होती है कूलर होती है और लोअर एल्टीट्यूड पे वार्मर होती है. नेक्स्ट इज़ एयर प्रेशर जो है डिक्रीज़ हो जाएगा हायर एल्टीट्यूड पे, देयर इज़ लेस एयर होगी टू एग्जर्ट प्रेशर. जैसे कि हमने पिल्लो की एग्जांपल देखी है कि नीचे वाले पिल्लो जो थे वो फ्लैटेंड थे और ऊपर वालों में ज़्यादा एयर थी, और इंक्रीज़ हो जाएगी एट द लोअर एल्टीट्यूड्स एट देयर इज़ मोर एयर प्रेशर डाउन. तो आज की क्लास में हमने यही करा, इस सफिशेंट है आज के लिए. तो आपने अच्छे से इसको क्या करना है, क्लास लगा लेनी है और लास्ट में क्विज जो है वो सॉल्व करना है. ओके, हैव अ नाइस डे.